शब्दों के अभाव में यदि हेतु बैठ जाए, उसने क्या बोला, जगत सत्य है क्योंकि उपलब्धि होने के कारण, सम्यक से व्यवहार होने के कारण, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि सम्यक से व्यवहार अथवा उपलब्धि होने के कारण वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है, असत्य स्थान में व्यवहार होता है। इसको मन में रखते हुए आज कहाँ से शुरू होगा, 44 से शुरू होगा। ठीक है, देखो टीकाकार आनंद जी बोल रहे हैं, जत्तु हेतुभ्याम द्वैतस्य अस्तित्वम् उक्तम् तद् दूषयति। जब द्वैत पूर्ववादी जो कहा था, क्या कहा था, हेतुभ्याम, हेतुभ्याम दो हेतु दिया था, क्या हेतु, उपलम्बात समाचार, द्वैतस्य अस्तित्वम् उक्तम् से द्वैत प्रपंच के अस्तित्व सही है ऐसा कहा गया है, तद् उसको उक्तम तद् दूषयति, उसको भगवान भाष्यकार मतलब कारिका करते उसको दूषित करते हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उपलब्धि और व्यवहार होने पर सत्य होगा जरूरी नहीं है। स्वप्न में सारा वस्तु उपलब्ध होता है, व्यवहार भी हम करते हैं और व्यवहारिक शुद्ध भी अनुभव कर लेते हैं, फिर भी वस्तु सत्य नहीं है। ठीक, इसको मन में रखते बोलते हैं, जत्तु हेतुभ्याम द्वैतस्य अस्तित्व उक्तम, द्वैत वस्तु है ऐसा तुमने कहा, तद दूषयति, उस सिद्धांत को दूषित करते हैं। और कारिका का श्लोक में उपलम्भात् समाचारान्, उपलम्भात् समाचारान् माया हस्ति यथोच्यते, उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते, अस्ति वस्तु तथोच्यते, उपलम्भात् समाचारात् माया हस्ति यथोच्यते, उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते। आपने कहा था कि उपलब्धि होने के कारण, उसके साथ संपर्क से व्यवहार करने के कारण, जो देखो माया हस्ती, माया मतलब स्वप्न में दिखे जगह जादूगर भी दिखाते हैं, वो वहाँ पे कोई पारमार्थिक हस्ती नहीं है, वो उसके ऊपर बैठने के लिए जगह बनाते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं और दिखाई देगा आपको कि वैसे हस्ती चल भी रहा स्टेज के ऊपर, परंतु वास्तविक वहाँ पर कुछ व्यवहार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं उपलम्भात् समाचारात् माया हस्ती, जब इस प्रकार मायिक हस्ती को दिखाई पड़ते हैं और वह वहाँ पे ऐसा हमको लगता है, ठीक इसी प्रकार उपलम्भात् समाचारात् अस्ति वस्तु तथोच्यते, हमको भी ऐसे लगते हैं कि वस्तु पारमार्थिक है, परंतु वस्तु में पारमार्थिक तो वस्तु की प्रतीति होगी, वस्तु से व्यवहार भी करे परंतु पारमार्थिकता नहीं है, पारमार्थिकता नहीं है। तो इसी को लेकर के देखिए टीकाकार लिखते हैं, श्लोक व्यावर्ताम आशंका आनुद्य दूषयति, भगवान भाष्यकार है ना, श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो आशंका है उसको अनुवाद करके उसको दूषित करते हैं भगवान। श्लोक व्यावर्ताम आशंका, श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उसको उठा करके अनुद्य अनुवाद करके दूषयति भगवान, दूषित करते हैं भगवान। ननु उपलम्भ समाचार हो प्रमाणत्वात् अस्ति एव द्वैत वस्तु इति, है ना, उपलब्धि होने के कारण, सम्यक रूप से व्यवहार करने के कारण, इन दोनों कारण से या ये प्रामाणिक होने के कारण, उपलम्भ समाचार प्रमाणत्वात् उपलब्धि और सम्यक आचरण ये प्रामाणिक होने के कारण द्वैत वस्तु अस्ति एव, मतलब भेद वस्तु है, द्वैत वस्तु अस्ति वस्तु मतलब पारमार्थिक द्वैत वस्तु है ऐसा जो है वो वहाँ दिखाना चाहते हैं। तो उसको उत्तर में बोलते हैं भाष्य मतलब कालिका के सहारे बोलेंगे, न आपका कथन सही नहीं है क्योंकि आपकी जो हेतु है ना उसने क्या हेतु दिया, क्या कि द्वैत वस्तु अस्ति एव, इसको यदि आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे अनुमान के रूप में, द्वैत वस्तु अस्ति एव उपलम्भ समाचाराभ्याम, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आपका ये हेतु जो है व्यभिचारी हेतु है, क्योंकि जो है जहाँ पे वस्तु नहीं है वहाँ पे उपलब्धि और आचरण होता है, उस शरीर के सिला पर व्यभिचारी हेतु है, इसलिए बोलते हैं कि न ये कथन सही नहीं है। क्यों कहने हैं कि उपलम्भ समाचारयोर् व्यभिचारित्व, उपलब्धि और सम्यक जो व्यवहार होता है ना वो जो है व्यभिचारी है, क्योंकि वो अवस्तु में भी ऐसा होता है, वस्तु के लिए आवश्यकता अवस्तु में भी, अवस्तु को भी उपलब्धि और अवस्तु से भी व्यवहार होता है, अवस्तु की भी उपलब्धि और अवस्तु में से व्यवहार होता है। तो इसलिए आपका उपलब्धि या समाचार वस्तु तो सिद्ध करने के लिए हेतु नहीं बन सकता, ये अभिप्राय जो होता है। उपलब्ध समाचार व्यभिचार, व्यभिचारा तो व्यभिचार करता है,
यहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी बोल रहे कि वस्तुत्व अभाववत व्यक्तित्व साध अभाववत व्यक्तित्व व्यभिचारित्व व्यभिचारिकता हेतु का जो परिभाषा है साध अभाववत व्यक्तित्व व्यभिचारित्व साध जहाँ साध क्या है उसका है वस्तु अस्ति दैत्य वस्तु अस्ति साध है और द्वैत वस्तु और नास्ति ये हो गया आपका अभाव जहाँ पे पारमार्थिकता नहीं है वहाँ पे हेतु है कि आपका वहाँ कौन सा हेतु उपलब्ध समाचार ये दोनों हेतु जहाँ पे वस्तुत्व नहीं होकर बैठते हैं इसीलिए व्यभिचार हेतु इसलिए बोलते हैं वस्तुत्व अभाववत वस्तुत्व के अभाव वाला जो स्थान है साध अभाववत वृत्तित्व साध अभाव में भी यदि हेतु बढ़ जाता है तो हेतु व्यभिचार हेतु है वस्तुत्व के अभाव वाले में भी आपका उपलब्धि समाचार अतिरिक्त तो हेतु बैठ जाता है माया हस्ती में देखो आजकल आर्टिफिशियल इसमें देखो इसीलिए जो है ये आपका हेतु साधु को सिद्ध नहीं करते भगवान कैसे बोल रहे हैं भाई प्रथम व्यभिचार हेतु हमारे हेतु व्यभिचार कैसे बोल रहे हो हमारे तो व्यभिचार नहीं है साधु अभाव है नहीं सारा वस्तु तो हम व्यवहार करते हैं वो बोलते नहीं नहीं आजकल विज्ञान उसको प्रूव कर दिया उपलब्ध्यते ही माया हस्ती हस्ति इव हस्तिनम इव अत्र समाचरन्ति बंधन आरोहणादि हस्ति संबंधिभिः धर्मैः हस्ति इति च उच्यते असन् अपि तथा यथा असन् अपि यथा उपलभ्यते ही माया हस्ति जादूगर आपको माया हस्ति दिखाते हैं जादूगर देखते गए आपको सामने खड़ा कर देंगे जैसे सही हस्ति आदि है सामने खड़ा कर देंगे और हस्ती इव हस्ती नम उस पर हाथी है बंद दिखाए माया हस्ती और हस्ती बिल्कुल बिल्कुल हाथी जैसे ही दिखाई देगा माया हस्ती हस्ती इव दिखाई देगा दो नंबर टिप्पणी हस्ती इव तब पारमार्थिक अभिमत व्यवहारिक हस्ती इव इति अर्थ जिसको तुम पारमार्थिक मान रहे हो वो व्यवहारिक है जिसको तुम व्यवहारिक मान रहे हो प्रतिभाषिक है एक मत तब पारमार्थिक अभिमत व्यवहारिक हस्ती इव इति अर्थ आप जिसको पारमार्थिक वो व्यवहारिक है जैसा ये वहाँ पे पार सिद्धांत है हस्ती इव हस्तिनम इव अत्र समाचार को एक हाथी को जैसे व्यवहार किया जाता है उस प्रकार उसके साथ संभव के आचरण भी करते हैं कैसे करते हैं हाथी के ऊपर आपने कहीं पे बांध रखा फिर आपने हाथी के ऊपर चढ़ा वहाँ पे उसके ऊपर कुछ आसन लगा उसके ऊपर चढ़ा फिर उसके ऊपर चढ़ के कहीं गया इसलिए वो सब हाथी से व्यवहार करते थे बंधन आरोहण आदि हस्त संबंधी भी धर्म एक हाथी के साथ संबंध रखने वाला जो धर्म है वो सारा धर्म आपको उस माए मतलब माइक हस्ती में अथवा प्रातिभाषिक हस्ती में ही दिखाई देता है जब हम स्वप्न में देखते सब वही दिखाई पड़ते हैं धर्म भी हस्ती उच्च उस हाथी से कहा जाता है असन भी तथा मतलब वो नहीं होते हुए भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होते हुए भी असन अपि यथा जैसा वहाँ पे कहते हैं उसको पता है माइक वस्ती सत्य है जैसा हम कहते हैं वैसे ही व्यवहार में वस्तु शक्ति प्रतिदि होते पारमार्थिक नहीं है यथा माइक हस्ती सत नहीं होते हुए भी उसके से माइक हस्ती नहीं होते हुए भी उसका व्यवहार और उसका मतलब उपलब्धि भी होती है उसके व्यवहार भी होते हैं तो उसका सत्य जैसा प्रतीत होते कब तक जब तक हम माया के माया निद्रा में है जगने पर नहीं लगते हैं इसलिए बोलते हैं उपलब्ध्यते ही माया हस्ती उपलब्धि होते माया हस्ती का हस्ती इव वो पारमार्थिक है जैसा माया हस्ती हस्ती वो मतलब पारमार्थिक हस्ती जैसा उपलब्ध होता है हस्ती नम इव अत्र समाज एक हाथी को जैसा हम व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से उससे व्यवहार भी करते हैं जैसा कैसे व्यवहार है हाथी से बंधन आरोहण आदि हस्ती संबंधी भी धर्म ही बंधन उसको बांध के रखना उसको खिलाना उसको ऊपर चढ़ना जो हस्ती हस्ती संबंधित जो भी कुछ हाथी आशीर्वाद भी देते हैं हाँ हाथी आशीर्वाद भी देते हैं सिंगई मठ में जाएंगे और शाम को हाथी को लेकर के निकलते हैं उसके साथ दो को भी रहते हैं महमूद भी रहते हैं ठेला चौक और सब लोग दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं उसको केला देकर सूंघ से जो है उसका ऊपर आशीर्वाद देते हैं तो उसको छूने के लिए कहते हैं तो लगता है वो सच्चाई है बंधन आरण आदि हस्ती संबंधी भी धर्म हस्ती इति उच्यते माइक हस्ती को भी हाथी इस रूप में कहा जाता है असन भी वो नहीं होते हुए भी असन अभी जैसा जैसे वहाँ पे व्यवहार होता है वैसे ही तथैव जैसे वहाँ पे माइक हस्ती के साथ तथैव उपलम्भा समाचार इसी प्रकार से जागृत वस्तु भी उसकी उपलब्धि और उसके संबंध आचरण द्वैतम भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते इसी प्रकार पारमार्थिक नहीं होते हुए द्वैत मतलब भेद वस्तु है ऐसा कहा जाता है तथैव उपलम्भा समाचार
द्वैतम भेद रूपम, द्वैत मतलब जो भेद बुद्धि विशेष विशेष अलग अलग दिखाई पड़ता है वो है अस्थि वस्तु, वहाँ पर पारमार्थिक वस्तु है ऐसा प्रतीति होते ही उच्चते ऐसा कहा जाता है। तीन नंबर भेद रूप मतलब आकाशादि विशेष रूप इत्यर्थ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तन्मात्र आदि इनके अलग अलग दिखाई पड़ता है भेद। एक ही शुद्ध चेतन में सब कल्पित है, एक शुद्ध चेतन में सब कल्पित है। ये बोलते हैं आकाश आदि विशेष रूप इत्यर्थ तस्मा न उपलम्भ समाचारो द्वैत वस्तु सद्भावे हेतु भवतः। कैलाश उसमें हेतु और भवतः को एक ही मात्रा में लिख दिया, उसको नहीं लिखा अलग लिखने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हेतु नहीं बचने वक्त हेतु भवतः समझ पद भी नहीं है। तस्मात न उपलम्भ समाचार, इसलिए उपलब्धि और सम्यक आचरण ये दोनों द्वैत वस्तु सद्भावे हेतु न भवतः, ठीक है, द्वैत वस्तु की पारमार्थिक विद्यमानता के लिए कारण नहीं बनते। उपलब्ध हो रहा है हमको दिखाई पड़ रहा है इतना मात्र से जो है वो पारमार्थिक है ये जरूरी नहीं है। तस्मात उपलम्ब न हंसालक कर देंगे उपलम्ब समाचार उपलब्धि और सम्मत आचरण इन दोनों द्वैत वस्तु सद्भाव द्वैत वस्तु की पारमार्थिक विद्यमानता में हेतु यदि वचन है यदि वचन ये दोनों इसे हेतु न भवत क्रियापद भी भवत यदि वचन है हेतु न भवत। चार नंबर तस्मात मतलब व्यभिचारित्व आपका हेतु व्यभिचारी होने के कारण पारमार्थिक वस्तु की पारमार्थिक स्वभाव सिद्ध नहीं कर पाएगा इति अभिप्राय इसका हेतु करते हैं। अच्छा अब टीका में आ जाइए श्लोक व्यवहार श्लोक व्यवर्तन व्यभिचार से असिद्धम आशंक परिहरति। अतः पहले व्यभिचार कैसे हो सकता है ऐसा शंका उठा करके फिर इसका परिहार करते हैं। व्यभिचार से असिद्ध व्यविचार सिद्ध नहीं होता वो पर सिद्ध को सिद्ध हेतु हमारे वस्तु को सिद्ध कर देगा। व्यवहार शंका उठा करके उसको परिहार करते हैं कैसे प्रथम व्यभिचार उच्चतम तो व्यभिचार कैसे आप बोल रहे हो ये हो गया शंका उसको उत्तर बोलते यदि कथम व्यभिचार जैसे बोलते हैं तो उसको उत्तर में कहते उपलब्ध माया हस्ती उपलब्ध समाचार मायामय हस्तिनी वस्तुत्व अभाव अपनी भवतः, ठीक है ना। उपलब्धि और सम्मत आचरण ये दोनों मायामय हस्तिनी मायिक हस्ती में मायामय मय हस्ती अभी वस्तुत्व अभाव अभी वहाँ पे पारमार्थिकता के अभाव होने पर भी उपलब्ध समाचारो भवतः उपलब्ध समाचार वहाँ पे होता है खत्म कर जाए भवत जैसे तथा द्वैतीय अभी न तयोर अस्ति वस्तुत्व साधकत्वमिति उपसंहरति। ठीक इसी प्रकार से द्वैते अपि मतलब व्यवहारिक द्वैत प्रपंच में भी न तयोर अस्ति वस्तुत्व साधकत्व तयोर मतलब उपलब्धि समाचार इन दोनों का वस्तुत्व साधकत्व न अस्ति तो पारमार्थिकत्व शुद्ध करने के क्षेत्र में वो बल नहीं है हेतु आभास है। पाँच नंबर टिप्पण में यही होते द्वैते अपि आकाशादि प्रपंच अपि अर्थ आकाशादि प्रपंच में भी वो उपलब्धि और सम्यक आचरण होता है इसलिए पारमार्थिक हो जाएगा यह आप नहीं कह सकते क्योंकि आपका हेतु मायिक वस्तु में भी ऐसा दिखाई पड़ता है क्योंकि उपसंहार के संबंध में रखते हुए तस्मात न उपलम्ब समाचारो द्वैत वस्तु सद्भावे हेतु भवत इसलिए उपलब्धि और सम्यक आचरण तब से व्यवहार कर सकता है उपलब्धि भी हो रहा है और व्यवहार भी हो रहा है इसलिए वस्तु पारमार्थिक है ये नहीं कहा जा सकता निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनं। वहाँ पे भौतवादी का चल जाता है बाहरी वस्तु जो है हम तो बुद्धि में आता है तो इसके जरूर बाहरी वस्तु होना चाहिए। ये जो विज्ञानवादी बौद्धों के साथ वैभाषिक जब जो होता है ना कोई कोई ना उसके पीछे कुछ निमित्त होना चाहिए वो निमित्त इसलिए बाहरी वस्तु होना चाहिए ये उन्होंने कहा इससे युक्तिपूर्वक आपके अंदर किसी वस्तु के संस्कार जाने के लिए आपके बाहरी वस्तु होगा इंद्र के माध्यम से तभी तो होना संभव है तभी तो होना संभव है। इसलिए बाहरी वस्तु नहीं है ये आप नहीं कह सकते। इसलिए वेदांत ये नहीं बोलते कि बाहरी वस्तु नहीं है, वेदांत ये बोलते हैं कि बाहरी वस्तु की प्रतीति होती है संस्कार जाता है भ्रांति से।
क्रांति से प्रतीक देखो, क्रांति से रज्जु को सर्प की प्रतीति होती है। ऐसे बाहरी वस्तु जो है हमारे मतलब जन्मांतरीय संस्कार से बाहरी वस्तु को पहले से ही संस्कार असंस्कृत बाहरी वस्तु की प्रतीति और प्रतीति के कारण ही जो है हम उसको व्यवहार भी करते हैं। व्यवहार और प्रतीति ये जो पारमार्थिकता को सिद्ध नहीं करता, प्रातिभाषिक वस्तु से व्यवहार और व्यवहारिक शुरू तो होता है। ये जो निमित्त अपने कहा निमित्त से अनिमित्तत्व इष्यते भूत दर्शना, जब आप यथार्थ रूप उसको देखना सीखोगे तो निमित्त अनिमित्त बनने का निमित्त से अनिमित्त वो जो बोल कर आया था तब यहाँ पे बोलना है कि अगले श्लोक के लिए भूत दर्शन अवश्यम भेद निमित्त से अनिमित्त मुक्तम एतद् अन्ते श्लोके विप्रपंचितम। वो जो वहाँ पे बोल कर आया था जब आपको यथार्थ दर्शन होगा ना तब आपको जो है कि यह भूत दर्शन अवस्टम्भिन मतलब जब आप ठीक ठीक देखना सीख जाए उसका अवलंबन करके निमित्त से अनिमित्त व्यवहार के लिए वस्तु की जो आप मान रहे हो ना ये निमित्त 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 नहीं रह जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपको भूत दर्शन होता जाएगा वैसा वैसे व्यवहार भी होता जाएगा। यथार्थ दर्शन होते ही व्यवहार इस जगह पर आ जाएगा कि शरीर व्यवहार करने पर भी मन व्यवहार करने पर भी आत्मा में भी व्यवहार में ये निश्चय हो जाएगा। इसके बोलते हैं भूत दर्शन अवस्तम हीन निमित्त अनिमित्तम मुक्तम एक तक अंत्य श्लोक है। यहाँ तक इस श्लोक के द्वारा वो निमित्त जो है अनिमित्त है इसको प्रतिपादन करके दिखाया, जो भी आपने हेतु दिया उसको निराकरण करके विशेष रूप में विस्तार से कहा गया भी प्रपंचित विशेष रूप से विस्तार से कहा गया है। छः नंबर निमित्त अनियमितम इतना बोलते हैं पंचविंशति तम कारिका उत्तराध है ना, पंचविंशति तम कारिका उत्तराधत आरभ्य 25 नंबर कारिका के जो उत्तराध निमित्त अनियमितम इष्यते भूतदर्शन आरम्भ द्वात्रिश श्लोक पर्यंतम सार्ध सप्त श्लोक निमित्त अनियमितम उत्तम। यहाँ से लेकर के 32वां श्लोक तक वो निमित्त जो है वास्तविक निमित्त नहीं है अनियमित निमित्त इसको लिखा नहीं निमित्तम उत्तर और त्रयोत्शत चतुश्चत्वारिशत पर्यंतम द्वादशवीं श्लोक तक प्रपंचितम इस 12 श्लोक के द्वारा 44 तक श्लोक के द्वारा उसी को विस्तार किया गया। जब जब आपको यथार्थ दर्शन होगा तब क्या हो जाएगा वो निमित्त आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये तो 7 श्लोक के द्वारा पंचविंशतितम कारिका उत्तराधत आरंभ द्वात्रिंशत श्लोक पर्यंतम सार्ध सप्तधत श्लोक मतलब 7.5 श्लोक के द्वारा 7.5 32 नंबर श्लोक में क्या लिखा है देखो यहाँ तक विस्तार किया गया था सब प्रयोजन तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादत्यंत वक्तेन मित्रैव खलु ते स्मृता है ना आदावंत चरण जैसा बोल गया यहाँ तक श्लोक के द्वारा कि अब द्वादिंशत श्लोक पर्यंतम सार्ध सप्त श्लोक निमित्त अनियमितत्व मुक्तम। जो निमित्त आपने सोचा कि आपका जागरूक व्यवहार करने के सप्तमत्व चाहिए वो तुम पारमार्थिक निमित्तत्व नहीं है और फिर त्रयोदिंशत श्लोक से लेकर के त्रयशतश्च चतुश्चत्वारिंशत पर्यंत 44 तक 33 से लेकर के 42 श्लोक के द्वारा द्वादशवीं श्लोके तक प्रपंचित विषय का और विस्तार से समझाया गया है ना। यदि आप ठीक ठीक देखना सीखोगे तब क्या हो जाएगा आपको बाहरी वस्तु पारमार्थिक है ये निश्चय कर सकते यथार्थ कर सकते। जिस प्रकार जिस समय हम ठीक करके रज्जु को देख लेते हैं जब उसके ऊपर कल्पित भूछ माला जल धरा दंड कुछ भी हमने सर पर जो भी हमने कल्पना किया था वो पारमार्थिक नहीं था। जिस समय मैं देख रहा था उस समय भी वो नहीं था कि हम स्वयं निश्चय करते हैं। इसमें आप विस्तार से समझाया गया भूत दर्शन अवश्यम है ना निमित्त अनियमितमुक्तमेतरंत श्लोक विपन्न ठीक है। आप क्या कहते हैं संप्रति भूत दर्शन उपसंहरण अब जो है इस भूत दर्शन की प्रक्रिया को अभी उपसंहार करते हैं। मैं बोला था कि जो प्रतिज्ञा किया था कि अद्वैत पारमार्थिक सत्य द्वैत प्रमुख पारमार्थिक सत्य नहीं है कि प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु दिया अभी तक हेतु दिख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे दृष्टांत देंगे हेतु देने का दृष्टांत। इसलिए यहाँ पे उपसंहार के माध्यम से वो जो हेतु का समाप्त करना है संप्रति भूत दर्शन भूत दर्शन उपसंहार जो भूत दर्शन की जो प्रक्रिया था उसको उपसंहार करते हैं श्लोक जात्याभासं चलाभासं
जायाभासं चराभासं वस्त्वाभासं तथैव च वस्त्वाभासं तथैव च अज अचलमवस्तुत्वम् अजाचलमवस्तुत्वम् विज्ञानं शान्तमद्वयम् विज्ञानं शान्तमद्वयम् जात्याभासं चराभासं वस्त्वाभासं तथैव च अजाचलमवस्तुत्वम् विज्ञानं शान्तमद्वयम् क्या बोल रहा है ये जो आपको जाति संबंधित आभास जाति से वो ही ले सकते हैं जन्म और ये जाति अलग अलग जाति होते हैं हमारे सुख से उसको नहीं ले सकते इस संबंधित आभास फिर चलाभास चलाभास तो उसके व्यवहार हो रहा है आप आवाज तो मन तो चलाभास बोलते हैं और वस्तु आभास होते हैं उसमें पारमार्थिक तत्व की जो आभास है तथिव ये तीनों ही क्या होता है मतलब जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है वो किसको दिखाई दे रहा है वो एक जन्म रही अचल और अवस्तुत्व जो पारमार्थिक कोई वस्तु रूप नहीं है वस्तु मतलब वस्तु की परिभाषा दिया न्याय दर्शन में मूल क्रिया आश्रयत्तम द्रव्यत्तम वस्तु द्रव्य जो गुण और क्रिया के आश्रय होता है परंतु हमारा आत्मा ने गुण की आश्रय ने क्रिया की आश्रय इसलिए बोलते हैं अज अचलम अवस्तुत्व विज्ञानम शांतमत्व है ना जो भेद रहित जो शुद्ध चेतन जो हर प्रकार से शांत है जिसमें कुछ भी क्रिया नहीं है निष्क्रिय है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवद्धम निरंजनम इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया वही वो जो है वो जन्म से रहित है चलन से रहित है उसमें कोई द्रव्यत्व धर्म नहीं है परंतु ये सारा धर्म उसी में दिखाई दे रहा है मतलब ये विज्ञानम शांतम मतलब वही इस रूप में प्रतीत है सिर्फ उसी में जाता भाषम चला भाषम वस्तुआ भाषम उसमें दिखाई पड़ता है वही इस रूप में प्रतीत हो रहा है जात्याभाषम चलाभाषम वस्तुभाषम वस्तु से आप कह लेंगे द्रव्यत्व आभाषम तथी वी उसी प्रकार से अज अचलम अवस्तुत्व विज्ञानम शांतम जो विज्ञान शुद्ध चेतन भेद रहित शुद्ध चेतन जिसमें कोई क्रिया नहीं है विकार नहीं है वही इस सारा विकारी रूप में दिखाई देता है प्रतीति है वो जन्म रहित है क्रिया से अचल मतलब क्रिया से रहित है और द्रव्यत्व धर्म से भी रहित है ये जो जागवल ऋषि मैत्री को प्रतिपदन करते हैं अष्टम वेदारण्य को परिषद तृतीय अर्थ है कि अष्टम ब्राह्मण अक्षर ब्राह्मण एतद् वेतद् अक्षरं गार्गी मैत्री ब्राह्मण अभिवदन्ति जस्मिन् आकाशो तस्य पदस्य फिर उसके प्रतिपदन कहते हैं अस्थूलम अनन्महसमरसमलोहितम इसका तक 25 जगह पर निषेध करके तो द्रव्य धर्म गुण धर्म क्रिया धर्म सब का निषेध कर देना तो इस वहाँ पे ये इस प्रकार से उस अक्षर तत्व को प्रतिपादन करते हैं प्रतिदिन उसमें होती है परंतु पास पारमार्थिक पाते नहीं है और वही वस्तु को निर्विशेष तत्व भ्रांति से सविशेष रूप में प्रतीत होता है निर्विशेष तत्व भ्रांति से सविशेष रूप में प्रतीत होता है ये नहीं जब यहाँ पे ये सामान्य के मतलब यही शुद्ध चेतन ही अनेक रूप में प्रतीत होते हैं यही हमारी प्रशंसा है तब यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं श्लोको अक्षराणी आकांक्षा द्वारा विभ्रणोति श्लोक में आए हुए पदों को आकांक्षा उठा कर देखो जिज्ञासा उठा करके उसके माध्यम से उसको विस्तार करके उसको समझा दे भगवान का विभ्रणोति बोलते हैं यदि ये जो भी वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो पारमार्थिक वस्तु है क्या उसको तो दिखाओ यदि जो हम बोल रहे हैं ये सत्य है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं तो तुम्हारे हिसाब से क्या है वो दिखाओ सिंहस्व के खंडन खंडन है वो मैं पढ़ा नहीं कभी कभी जाके जाके आज विष्णु कीर्तन किया विशुद्धानंद जी जब हमारे सत्यानंद स्वामी रुद्रवास में पढ़ाते थे वो मतलब बड़ा तो कभी कभी उनके साथ चला जाता था पीछे पाठ के बाद वहाँ पे सिंहस्व को पूछा गया था ये तो आप हमारे मत को पूरा खंडन कर रहे हो जो भी न्याय के पदार्थ हो शांति सब का खंडन कर दे तो तुम्हारे मत क्या हो बोलते हमारे मत कुछ है तो शास्त्र ने बोला वही हमारी कोई वस्तु हमारे कोई ऐसा वस्तु है नहीं जिसको हमें नहीं कर तो शास्त्र ने ये बोला ऐसा बोला जिसको प्रतिपादन नहीं किया जा सकता सब को वो हमारा मत तो यहाँ पे ही पूछा तुम ये बताओ तुम तो हमारे सब सिद्धांत को खंडन तुम्हारे सिद्धांत जो है तो बताओ पारमार्थिक वस्तु क्या है सारा वस्तु जो संसार में दिखाई दे रहा है वो सब अपारमार्थिक है तो पारमार्थिक वस्तु क्या तो दिखाओ
यदि वो नहीं दिखा पाओगे तुम्हारे से नंद भी खराब हो जाएगा। आप कहीं भी शास्त्रार्थ में जाएंगे तो उसके बाद एक मत खंडन करने का आपका सिद्धांत पता ना पड़ेगा, नहीं तो मत को खंडन सिद्ध नहीं होगा। किम पुनः पारमार्थ सद वस्तु, वो पारमार्थिक सद वस्तु क्या है वो तो बताइए। जब आस्पदा जिसके आधार पर जात्यादि असत बुद्ध है, जिसके ऊपर जात्या चलावाद वस्तु असत बुद्धि क्रिया करते रहते हैं, वो क्या है वो वस्तु, उसके उत्तर में तत् आह, इसके उत्तर में कहते ठीक है। आपने अभी तक वस्तु जितना है उसको सब खंडन कर दिया, तो एक आभास है जन्म और तत्संबंधित जो वो अभी आभास है, उसमें जो क्रिया व्यवहार होता है वो भी आभास है, और उसमें पारमार्थिक वस्तु और द्रव्य तो भी एक आभास है। इसीलिए यदि सभी आभास है तो उसके पीछे सच्चाई क्या है उसको तो बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो किम पुनः तक परमार्थ सद वस्तु जगास्पदा, मतलब एक नंबर टिप्पणी, जब अधिष्ठान कहा, जिस अधिष्ठान वाला होकर के है ना अधिष्ठान का, और असद बुद्धय जात्यादि असद बुद्धय, असद मतलब भ्रांति बुद्धि, ये किसी एक कभी भी ध्यान रखना, कोई सत्य अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव है, सत अधिष्ठान में भ्रांति हो जाए। यदि कब तक, जब तक हम सत्य वस्तु को नहीं जानते, जैसे जान लिया तो भ्रांति मिल गया, इसलिए होता है कभी भी भ्रांति के अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। अब ये बताओ भ्रांति की अधिष्ठान क्या है, ये बताओ, ये प्रतिपादन ये पूछ लेगा कि जात्यादि असद बुद्ध तथा आविष्क उत्तर में कहते हैं अजाति सब जाति इव जाति वत अवभाषते इति जात्याभाष, ठीक है ना, मतलब जन्म नहीं हुआ फिर भी जन्म हुआ जैसा प्रतीति हो गया, और जन्म नहीं हुआ तो कोई जाति भी नहीं होगा, शब्द पशुत्व तो भूपी तो देवत्व तो कुछ भी जाति है, तो जाति भी दोनों दोनों अर्थ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अजाति सत जाति इव जातिवत, अजाति सत जातिवत अवभाषते, जन्म नहीं होते हुए भी जन्म हुआ जैसा, और जब जन्म हुआ तब कोई जाति ना कोई ना कोई कैटेगरी का तो हो गई अवभाषते थी जात्याभाषा। तो क्या बोलते हैं, तद यथा देवदत्त जायते इति, जैसा देवदत्त नामक व्यक्ति पृथ्वी, ऐसा कहा जाता है तीन नंबर में देवदत्त लक्षाचित इति अर्थ है ना, देवदत्त से लक्षित जो चैतन्य उसकी उत्पत्ति वैसा लोग मानते हैं। यदि इतना मात्र कहते कि पिंड की उत्पत्ति देवदत्त पिंड की उत्पत्ति तब भी तो कुछ समझदारी थी, और देवदत्त से द्वारा लक्षित जो चैतन्य उसकी उत्पत्ति हुई, देवदत्त लक्ष्याचित इति अर्थ, देवदत्त का द्वारा लक्षित हुआ, देवदत्त पिंड से लक्षित जो चित उसकी उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हैं। देवदत्त जायते चलाभाषम, उसमें चलाभाषा चलक इव आभाषते इति, जैसा एक जगह पे गया एक जगह पाया लोकांतर में गया देशांतर में गया, ये सब जो है उसमें प्रतीति होता है, वो भी एक आभाष है, चलक इव आभाषते इति यथा स एव देवदत्त गच्छते, जैसे उस समय बोलते वही देवदत्त, मतलब देवदत्त उपलक्षित चेतन वो आवागमन करता है। हमारे यहाँ पे सिद्धांत तो क्या है, प्रतीति होती है कि चित्त कोई एक वस्तु गमन कर रहे हैं, एक बोतल आधा पानी है आधा खाली है, उस बोतल का भी हाथ उठा करके यहाँ पे रखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको, बोतल के अंदर पानी भी इधर से इधर आया और बोतल के अंदर आकाश भी इधर से इधर आया। पानी को तो बोतल के माध्यम से इधर से इधर आना संभव है, आकाश को इधर से इधर आना संभव है क्या, तो आभाष है दिखाई पड़ते हैं, इन मुद्दे भी दिखाई पड़ते हैं। उसी के अभी बोलते हैं चलाभाषम चलम इव आभाषते इति यथा स एव देवदत्त गच्छति, वही देवदत्त जो पैदा हुआ था वो भी अब काम करने लग गया क्रिया करने लग गया, सत्य है जैसे लोग सोचते हैं। चार नंबर स एव लक्ष्य एव इति अर्थ, मतलब जो लक्षित हुआ था जिसको लक्षित किया गया था वही देवदत्त, वो चेतन में आवागमन, चेतन की उत्पत्ति चेतन के आवागमन है समान होते हैं, ये वह एक अर्थ। फिर वस्तु आभाषम, वस्तु मतलब द्रव्यम धर्मी, वस्तु से क्या बोला द्रव्य, द्रव्य क्या होता है धर्मी, मतलब धर्मी किसको बोलता है जिसके अंदर धर्म रहता है, द्रव्य क्या हो गया गुण क्रिया अश्रियतम द्रव्यतम, तो उसमें गुण और क्रिया जो धर्म जिसके अंदर है वो हो गया धर्मी, इसलिए बोलते हैं वस्तु, वस्तु आभाषम, वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं होते हुए वस्तु का आभास होता है ना, उसको दो वस्तु शब्द का अर्थ हो गया द्रव्यम, और द्रव्य बोलते होते हैं धर्मी है ना, मतलब जिसके अंदर धर्म रहता है, तद्वत अवभाषा थे इस प्रकार को धर्म वाला रूप इसकी प्रतीति होती है, इति वस्तु आभाषा, इसलिए वस्तु भाषा में कहा गया था।
जैसे यथा साव देवदत्त गौर दीर्घ इति वही देवदत्त जो पैदा हुआ था वो अभी चलने फिरने लग गया, वो गोरा भी है लंबा भी है, तो सब उसके ऊपर चेतन के ऊपर आरोप करते हैं। ये जन्म भी शरीर का होता है, चलता फिरता भी शरीर है, और गौरव दीर्घत्व भी शरीर का धर्म है, पर आरोप कितना भी होता है उसमें तो आत्मा में उसको उसके अंदर परिच्छिन्न जो आत्मा रूप में दिखाई देता है उसमें आरोपित होता है। यथा सैव देवदत्त गौरव दीर्घ इति जायते देवदत्त स्पंदते दीर्घ गौर इति एवं अवभाषते। इसलिए क्या हो गया, देवदत्त की देवदत्त जन्म लिया और फिर उसमें क्रिया हो रहा, स्पंदते क्रिया होता है, वो लंबा भी है और गोरा भी है इति एवं अवभाषते। इस प्रकार से उसके आप यदि आप देखेंगे विचार करेंगे, इसका कहना है कि चेतन की उत्पत्ति होती है, और हम कहते हैं कि वो जड़ की उत्पत्ति, चेतन की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। उत्पत्ति शरीर की क्रिया शरीर में और गौरव दीर्घत्व भी शरीर के धर्म, इसीलिए आत्मा में ये नहीं है, परंतु हम उसमें आरोप करते हैं इति एवं अवभाषते। वास्तविक इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जिस कारण से हम जगत की उत्पत्ति को कहते हैं वहाँ पे तो उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, फिर भी हमको वहाँ पे उत्पत्ति मान करते हैं कि वहाँ पे ये सब व्यवहार होना ये दिखाई पड़ते हैं। परमार्थतस्तु पारमार्थिक दृष्टि से तो, पारमार्थिक दृष्टि से तो अजम वो जन्म से रहित है। अब जिस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ उसमें क्रिया कहाँ से होगा, अजम उसका तो जन्म ही नहीं है, वो व्यक्ति का अचलम वो आत्मा जन्म रहित है। वो आत्मा मतलब कि प्रत्येक आत्मा ये सभी के आत्मा शब्द का अर्थ होता है सभी के अंदर जो एक चेतन रूप में हमको अनुभव होते हैं, जो कोई आत्मा हो सभी के अंदर समान रूप में बैठा हुआ है, इसीलिए परमार्थ तत्व अजम वो जन्म रहते हैं और वो अचल क्रिया भी रहित है। अवस्थितम उसमें द्रव्यत्व धर्म भी नहीं है, अद्रव्यम च इसलिए द्रव्यत्व धर्म भी नहीं है। है क्या वहाँ पे ये तो बोलो, किंत एवं प्रकारम विज्ञान विज्ञान केवल एक शुद्ध चेतन ही है वहाँ का, उसमें कुछ भी नहीं है, वही इस सभी रूप में दिखाई पड़ता है। प्रश्न एवं प्रकारम इत्रिक धर्म आरोप अधिकरणम, इस प्रकार के धर्म को आरोप करने का अधिकरण, इस प्रकार धर्म आरोप करने का अधिकरण, इस प्रकार आप जो है देखो सुक्ति का मैं सर्पों के आरोप नहीं करोगे है कि नहीं, मरुभूमि में आप जो है चोर के आरोप नहीं करोगे, प्रत्येक अतिष्ठ वहाँ भी कार्य कारण भाग इसी प्रकार है, मतलब जिसमें जिस वस्तु बनने की सामर्थ्य है उसी में उसी प्रकार की हम आरोप करते हैं, उसी प्रकार के आरोप करते हैं। यहाँ पे उसने बोलता है इंद्रिक धर्म आरोप और इस प्रकार की धर्म आरोप करने का अधिकारण में जाता है कि वो चेतन है, अचेतन में क्रिया दिखाई पड़ता है और वो सोचता है चेतन में जन्म भी होता है, चेतन से व्यवहार होता है, इसीलिए उसमें आरोप का अधिकारण मान जाता है। इसलिए बोलते हैं एवं प्रकार इंद्रिक धर्म धर्म आरोप अधिकरण, इस प्रकार के धर्म के आरोप का अधिकरण है जो विज्ञान है ना, इंतर एवं प्रकार विज्ञान विज्ञान जिसके ऊपर इस प्रकार आरोप किया जा सकते हैं। जात्यादि रहितत्व शांतम, क्योंकि वहाँ पे उत्पत्ति नहीं है, है ना, जाति जाति नहीं है, क्रिया नहीं है, वस्तु आदि से कहेंगे जाति नहीं है, क्रिया नहीं है, वस्तु तो धर्म भी नहीं है, इसलिए जात्यादि रहितत्व शांतम है ना, उसमें क्या होता है किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं, इसलिए मैं लिखा शांतम निस्सामान्य विशेषम एक रसम, जिसमें सामान्य विशेष निर्गत सामान्य विशेष जस्मात् निस्सामान्य विशेष, उसको कुछ सामान्य भी नहीं है, कोई किसी भी रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता, एक रसम हमेशा एक ही प्रकार एक एक ही रस उसमें विद्यमान, जो होता है प्रज्ञान घन एव ठोस चेतन मात्र, कोई भी पदार्थ उसके अंदर नहीं है, हो गया शांत स्थिति, मतलब शांत स्थिति यही है जिस प्रकार मान लो एक किसी डब्बे के अंदर आपको भारी वस्तु भर के रख दिया, फिर वो आपको हवा आने से मेरे सामने से लेगा डूबेगा नहीं, चुप ही रहेगा शांत रहेगा, इसीलिए आप बोलते हैं कि जाता भी नहीं तत्व उसके अंदर जाति नहीं है, क्रिया नहीं है, गुण नहीं है, द्रव्य तत्व कुछ भी नहीं है, फल फल है वो शांत है, वहाँ पे समस्त निस्सामान्य विशेष रहित है, वो तत्व ही होना संभव है, अतएव अद्वयम चेतन, इसलिए वो भेद रहित भी है, वो भेद रहित इसलिए अतएव अद्वयम चेतन, यहाँ पे जो है ये तत्व मतलब वो भेद रहित है, वो कौन होगा, अतएव अद्वयम चेतन कैसे लेंगे, अरे भाई जो विज्ञान है मैं अपना ध्यान रखना
मैं इस प्रकार का हूँ, वो झंझट लगता है यहाँ पे समझने में। आज आएगा भगवद गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हम, तो दिमाग को खराब कर देगा। बोलते हम सामान्य व्यक्ति सोचते हैं ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा है, और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं मतलब प्रत्येक अपना सभी के मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूँ। क्या उल्टा सिद्धांत बोलेगा, परंतु ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसीलिए शब्द प्रयोग को देख करके स्टूडेंट को समझना है कि अतएव अद्वयम च तत्तद् विज्ञानम् अहम्, भेद रहित मैं हूँ, मैं असंग क्रिया रहित, व्यय जन्म रहित, मृत्यु रहित, सबसे रहित हूँ मैं, असंग पूर्ण व्यापक हूँ। ये किं तत् एवं प्रकार विज्ञान इस प्रकार के विज्ञान विज्ञप्ति उचित है, जात्यादि नहीं तत्व शांतम अतएव अद्वयम च तत्त, तत्से विज्ञान यह विज्ञान मतलब जीव की स्वरूप है, समस्त क्रिया से रहित है, सभी जीव एक ही तत्व है, भिन्नत्व वहाँ पे है ही नहीं। भिन्नता कहाँ पर शुरू होता है, जैसे ही बॉडी आइडेंटिफिकेशन होता है तभी भिन्नता शुरू हो जाती है, नहीं तो बात नहीं की है। आप देखिए टीका में क्या बोलते हैं कि गौरत्व दीर्घत्व उक्त्या देवतत्वस्य गुणवत्तेन द्रव्यत्वं स्फुटीक्रियते, है ना। वहाँ पे एक शब्द क्या गौरत्व, तो वो सफेद है, गोरा है, और दीर्घत्व लंबा है। इस कथन के द्वारा देवदत्तस्य गुणवत्तेन, देवदत्त गुण वाला होने के कारण देवदत्त में क्या सिद्ध होता है, द्रव्यत्व सिद्ध होता है, गुणवत्तम द्रव्यत्वम प्रियवत्तम द्रव्यत्व एक बड़ी बचाई का। इसका द्रव्य स्फुटि क्रिया तो उसको स्पष्ट करके दिखाते, देव वो शरीर एक द्रव्य है, आत्मा द्रव्य नहीं है, उसको स्पष्ट करके बोलते हैं। पूर्वार्थ अर्थ अनुवादेन अपरार्थम योजयति, पूर्वार्थ में जो कहा गया, पूर्वार्थ क्या है, जाता वसम चलावसम वस्तावसम गति वचन, जो होता है पूर्वार्थ अर्थ अनुवाद, पूर्व अर्थ के अर्थ को अनुवाद के द्वारा अपरार्थ में अभी द्वितीय अर्थ भाग है उसको अन्वय करके दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, जायते देवदत्त, पूर्वार्थ में क्या था, जाता भाषम चलाभाषम, इसको बोलते हैं जायते देवदत्त, जाता भाष हो गया, स्पंदते हो गया चलाभाषम, दीर्घ गौर इति भाषण द्रव्य भाषण वस्तु भाषण, इसको अन्वय करके अनुवाद करके इसलिए बोलते हैं आगे कि पूर्वार्थ अनुवाद ना अपरार्थ दूसरा भाग को अन्वय करते हैं। तो जब ये सब आभास है तो पारमार्थिक क्या है, परमार्थ वस्तु अजम अचलम अवस्तु उत्तम चुझ है, जन्म रहित क्रिया रहित द्रव्य धर्म रहित शुद्ध चेतन तत्व, ये हो गया पूर्वार्थ का अनुवाद करके अपरार्थ को अन्वय करके दिखाते हैं इत्यादि। विशेषम प्रश्नपूर्वकम विशदयति, जो विशेष मतलब ये जो अज अचलम अवस्तुतम ये हो गया सर विशेषण, और विशेष हो गया विज्ञान, विज्ञान हो गया विशेष, बाकी शांत होते हैं। तो विशेषम प्रश्नपूर्वकम विशदयति किंत एवं प्रकार, तो बोलते हैं विशेष को प्रश्नपूर्वक विस्तार करते हैं, विज्ञान विज्ञप्ति तो क्या है, तो विशेष जात्यादि रहित्व शांतम, उसमें सब कुछ धर्म नहीं है, क्योंकि वो जाति नहीं है, गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, द्रव्य नहीं है, फल उसमें ये सब कुछ भी नहीं है, जात्याभाषल क्रियाभाषल अथवा वस्तुत्व आभस आभस मात्र है। इसलिए बोलते हैं किंत वो क्या वस्तु है, एवं प्रकार विज्ञान व विज्ञप्ति। यहाँ पे देखिए विज्ञान बोल करके विज्ञप्ति शब्द बोल रहे हैं, मतलब क्या हो गया, विज्ञान मतलब विज्ञानात्मक क्रिया नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाप्ति बोध मात्र ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान के बाद विज्ञप्ति बोलने का अभिप्राय है, ज्ञानात्मक क्रिया नहीं है यहाँ पे, ये ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान जाता भी नहीं तत्व शांत ये बोल। अब जो है आगे ब्रह्मण चित रूप से अजत्तम उपपादितम उपसंहार, इस प्रकार से जो ब्रह्म है ना, जो चैतन्य रूप है उसका उचित रूप से अजत्तम को जन्म रहित वाला है उपपादितम, इसका युक्तिपूर्वक समझाया गया है, उसका उपसंहार करते हैं ब्रह्मण चित रूप से ब्रह्मण, तो क्या विभक्ति वचन होगा वहाँ, ब्रह्मण चित रूप से अजत्तम उपपादितम को जन्म रहते ब्रह्म में कौन सा विभक्ति, ब्रह्मण चिद रूप से अजत्तम उपपादितम वो जन्म रहे जैसे प्रतिपादन करके दिखाया उपसंहार, जिसको उपसंहार करते हैं। श्लोक एवं न जायते चित्तम, एवं न जायते चित्तम, एवं धर्मा अजहा
स्मृतः एवं धर्मा अजाश्रुतः एवमेव विजानन्तो एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये न पतन्ति विपर्यये एवं न जायते चित्तम् एवं धर्मा अजाश्रुता एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये। इस प्रकार से युगपत की प्रक्रिया को दिखाया गया है, युक्ति पूर्वक समझाया गया है ना कि विशिष्ट क्यों न सम एवं न जायते चित्तम। इस प्रकार से चित्त की उत्पत्ति प्रसंग चित्त को लेकर के चल रहा था कि चेतन को लेकर चल रहा था, तो कहीं गलत तो नहीं लिखते। प्रसंग तो चेतन की उत्पत्ति नहीं होती, आप कहना चाहते हैं मत यहाँ पे चित्त कैसे कह दिया, क्योंकि वो चित्त के साथ मिलकर के अज्ञान दशा में चेतन दिखाई पड़ता है, परंतु चित्त भूमि से जैसे संस्कार निकल जाता है तो चित्त चित्त हो जाता है। रज्जु को सर्प को दिखाई दे रहा है, जैसे अपने अधिष्ठान तत्व को जान लिया तो सर्प कहीं विलय हो जाता है, ठीक है। इसे बड़ा शुद्ध चेतन के ऊपर अंतकरण की प्रकृति हो रही है, जैसे अंतकरण के स्वयं से वासना निकल जाता है तो क्या होता है, और चित्त चित्त हो जाता है, चित्त चित्त हो जाता है, चारों खाना चित्त हो जाओगे अस्तित्व नहीं रहेगा तुम्हारा, ठीक है। संस्कार वही संचित रहता है, जैसे ही संस्कार बदल जाएगा चित्त तो अलग करके फंक्शन नहीं करेगा, वो चैतन्य के साथ एक हो जाएगा, इसलिए फिर इसको उत्पत्ति नहीं होती। हाँ चित्त के उत्पन्न एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजास्मिता, इसलिए समस्त जीव जो है वो जन्म रहित है ऐसा स्मरण किया जाता है, ऐसा श्रुति में कहा गया स्मृति में। एवमेव विजानंत, जो व्यक्ति ऐसा जानते हैं एवं एव विजानंत विशेष रूपेण ज्ञातवंत विजानंत एवमेव विजानंत न पतन्ति विपर्यये, वो जो है किम जो है विपर्य में संसार गड्ढे में नहीं गिरता, संसार के गड्ढे में नहीं गिरता, फिर भ्रांति में नहीं पड़ते हैं, जीते जिसका भ्रांति नाश हो जाए। एवं न जायते चित्तम एवं धर्म अजास्मिता, इससे चित्त की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए समस्त जीव जो है जन्म से रहित है। एवं एवं बीजानंत, इस प्रकार जो जानते हैं ना वो जानने वाला बीजानंत प्रथम वो बचन पाठ से बोला है वो करता है बात करके, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति विपर्य न पतंती, वो जो है विपरीत धाम भ्रांति में नहीं गिरती। यहाँ पे देखिए टीका का क्या लिखा है, चित प्रतिबिंबान जीवान बिंब भूत ब्रह्म मात्र अजत्तम अविशिष्टम अविशिष्टम इति आह एवं धर्म अजास्मिता, इसको लेकर के बोलते हैं। देखो दो बार एवं न, एक प्रतीक है एवं न, मतलब एवं न जायते चित्तम पहला पात्र प्रतीक है, ठीक है ना। अब दूसरे में भी एवं धर्म अजस्मिता, कैसे धर्म जन्म रहित हो गया, तो उसको लेकर के बोलते हैं चित्त प्रतिबिंबाना जीवाना, जीव क्या है चिदाभास है, चैतन्य के प्रतिबिंब आभास है ना, मतलब अंतकरण प्रतिफलित चेतन अंतकरण में चेतन जीवाना बिंब भूत ब्रह्म मात्र, बिंब कौन है ब्रह्म ब्रह्म मात्र, तो बिंब प्रतिबिंब की भिन्न वस्तु है नहीं, इसलिए यदि प्रतिबिंब जन्म रहित है, बिंब यदि जन्म रहित है प्रतिबिंब भी जन्म रहित होगा, इसलिए बोलते हैं बिंब भूत ब्रह्म मात्र तब अजत्तम और जन्म रहित धर्म अविशिष्टम सामान्यम, जो जिस प्रकार मान लीजिए आपने दर्पण में अपने चेहरा को देखा तो चेहरा में क्या लिखेंगे आप, जो आपका मूल शरीर में है वही आपको दिखेगा, वही धर्म वही पेज उस पर देगा। इसी प्रकार बिंब ब्रह्म यदि हमारा जन्म नहीं थे तब वो जो प्रतिबिंब होगा उसमें वही क्वालिटी होगा, ये यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि चित प्रतिबिंबाना जीवाना बिंब मतलब ब्रह्म मात्रत्व अजत्तम अविशिष्ट महान भी जन्म रहित सामान्य होने विद्यमान है, किसमें
जीव में एवं धर्म अदास्मिता, इसी कारण से जो है समस्त जीव भी जन्म रहित है ऐसा स्मरण किया जाता है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकत्व तो चिंतन करते हैं। उक्त ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान सफल, इस प्रकार से जो जीव और ब्रह्म की एकत्व की जो बोध, इस बोध का फल क्या है? उक्त ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान, इस ब्रह्मात्म ऐक्य की बारे में हमें विचार किया है, उसका यदि बोध हो जाता है उस ज्ञान का क्या फल होगा? तो बोलता है एवं एव विजानंत न पतंती विकार जाए, इस प्रकार जानने वाले मतलब मैं असंग पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन मात्र हूँ, इस प्रकार समझने वाले जानने वाले व्यक्ति फिर संसार सागर में नहीं गिरते। विजानंत न पतंती विकार जाए। अब मतलब आनंद गुरु जी ने अपने तरफ से श्लोक का अर्थ कर दिया। अब भाष्यकार के लिए उपखा देते हैं श्लोक अक्षराणी, श्लोक में आए हुए अक्षरों को व्याकरण एवं यथक्तेभ्य हेतुभ्य, है ना, यथक्त तो हेतु क्या है? ये कार्यकरण भाव होना संभव ही नहीं है, किसी भी जगह में कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है। ये जो दिखाई बोल कर आया उसके बोलता यथक्तेभ्य, जैसा जैसे यहाँ पे दृष्टान्त तो दिया, स्वप्न को मानते हो स्वप्न में जैसा जैसा वस्तु को सत्य नहीं मानते हो वो सारा चीज जागृत वस्तु नहीं, वही सारा चीज दिखाई पड़ता है, इसी कारण से है ना एवं यथक्तेभ्य हेतुभ्य न जायते चित्तम, ठीक है ना, चित्तम वर्त देखिए हमारे आनंद चित्तम चैतन्य ब्रह्म इति जागत, ठीक है ना, चित्त चैतन्य कैसे बोला था, चित्त का तो अलग अर्थ होता है, तो यही समझना पड़ेगा हमको कि जब संस्कार के साथ हम उपाधि को चेतन को देखते हैं तब वो चित्त के साथ बोलते हैं, और परंतु चित्त से जब संस्कार निकल जाते हैं तो ब्रह्मकार व्यक्ति में चित्त जब स्थिर हो जाते हैं तो चैतन्य रूप हो जाते हैं, अधिष्ठान हो जाते हैं। इसलिए यथक्तेभ्य हेतुभ्य न जायते चित्तम चेतन बुद्धि एवं, और इसी कारण से धर्म आत्मान है जितना जीवात्मा को लेकर जो धर्म आत्मान प्रथम बोलते अजा स्मृता सब भी जन्म रहता है इन लोगों के द्वारा ब्रह्मविद्धि, ब्रह्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति यही कहते हैं कि सृष्टि होना संभव नहीं है, पारमार्थिक सृष्टि होना संभव ब्रह्मविद्धि, यदि सृष्टि होना संभव नहीं है और आपका सब एक ही तत्व है तो आपका सूत्र मैंने ग्रंथ करने पर धर्म प्रथम गोवचन कैसे प्रयोग कर दिया, इधर तो बोल रहे कुछ नहीं है एक ब्रह्म ही है, शब्द प्रयोग करते समय गोवचन प्रयोग करते धर्म, कैसे कहते हैं धर्म यदि गोवचन देह भेद अनुविधायित्वा, ठीक है ना, शरीर की भेद से जो आत्मा को भिन्नता दिखाई देते हैं उसको शास्त्र क्या करता है, शास्त्र के दो भाग हैं, एक अनुवाद भाग है एक प्रतिबद्ध भाग, इस चीज को हमेशा समझना है, शास्त्र के दो भाग है एक अनुवाद भाग है एक प्रतिबद्ध भाग, अनुवाद भाग कौन है, जो अन्न प्रमाण से सामान्य बुद्धि में बैठा हुआ है वो अनुवाद भाग है, वो ऐसा क्यों करते हैं ताकि हम भाग ना जाए उससे, पकड़ते हैं पहले हम हाँ तुम ठीक बोला हुआ मेरे पत्र कब लगाते हैं तुम ठीक बोलते तब फिर हम समझाते हैं, इसलिए यहाँ पे धर्म इतनी बहु बचना देह भेद अनुविधायित्व, वहाँ पे शरीर की अनुसरण करते हुए भेद दिखाई पड़ते हैं, इस कारण से अद्वय से उपचार वो जो भेद रहित तत्व उसी को गौण रूप से यहाँ पे प्रयोग किया, अद्वय से भेद रहित को ही भेद वाला जैसे गौण प्रयोग किया गया, क्यों शरीर के साथ देखते हुए शरीर के साथ देखते हुए धर्म इति बहुवचन देह भेद अनुविधायित्व अद्वय से उपचार वो भेद रहित तत्व को ही गौण रूप से कहा गया है, उपचारतः दो नंबर टिप्पणी उपचार आरोप अर्थ और आरोपित मतलब शरीर धर्म का आरोप करके यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग किया गया है, एवं एव यथक्तम विज्ञान जात्यादि रहितम अद्वयम आत्मतत्व विजानंत तृतीय पद एवं एव विजानंत एवं मतलब इस तत्व को इस प्रकार से जानने से ही एवं एव मतलब इस प्रकार से ही जानना पड़ेगा, दूसरे प्रकार जानने से नहीं होगा, एवं एव यथक्तम विज्ञान ये जो शुद्ध चेतन है उसको इस प्रकार से, किस प्रकार से जात्यादि रहित, वहाँ पर जाति नहीं है गुण नहीं है क्रिया नहीं है वस्तु नहीं है, जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम विविचुर मैंने भगवान भाष्य पर लिखते हैं, जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष विवर्जितम देश काल विषयाति वर्जितम ब्रह्म जत्त्वमसि भावैवात्मनि,
जाति नीति कुल गोत्र लोकम नाम रूप गुण दोष विवर्जितम हि देश काल वस्तु अतिवर्तितम ब्रह्म यत्र तत्त्वम श्री महाभारत सबसे रहित है जात्यादि रहितम अद्वयम आत्मतत्व विभेद रहित जो आत्मतत्व है विजानंत उसको जो लोग जानते हैं वो जानने वाले व्यक्ति कौन जानने पाएगा इसको भगवान भास्कर अपने तरफ से जोड़ दिया तक्तो अधिकारी को निरूपण कौन लोग जान पाएंगे जब तक बाहरी वस्तु संबंधित कुछ इच्छा रह जाते हैं तब तक आत्मज्ञान अभिप्रत नहीं होगा यदा सर्वे प्रमुख चलते कामादस्य विधि स्थित अथ मर्त अमृत भवती अत्र ब्रह्म समस्म कठोर क्वेश्चन है कठोर क्वेश्चन है तो ये बाह्य की क्षणा तब तो बाह्य क्षणा मतलब जिसने बाहरी वस्तु संभव समस्या जिसने बाहरी वस्तु संबंधित समस्त पुत्र क्षणा वित्त क्षणा लोक क्षण से ऊपर उठाए वो व्यक्ति इसको समझ पाएगा इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इसीलिए बोलते हैं जत्तादि रहितम अद्वयम आत्मतत्वम विजानंत जानने वाले लोग कौन है तत्व बाह्यक्षण ये प्रथम जो लोगों ने अपने सारे बाहरी विषय संबंधित क्षणों की इच्छा को त्याग कर दिया इस प्रकार की व्यक्ति लोग पुनर् न पतंती दोबारा फिर गिरते नहीं है कहाँ नहीं गिरते अविद्वा धांत सागरे विपर जाए अविद्या रूपी घोर अंधकार अविद्या घोर अंधकार रूपी सागर में मतलब यही विपर्य ना पता थी विपर्य पहले अर्थ लिखते बाद में शब्द को लिखते हैं ना कहीं के पहले शब्द लिखकर के फिर अर्थ करते हैं पहले अर्थ लिख के शब्द लिखते हैं विपर्य शब्द का अर्थ कर दिया अविद्या धांत सागर अविद्या रूपी अंधकारात्मक सागर में फिर दोबारा नहीं गिरता भाष्य का शैली है कोई भी अपने शब्द को प्रयोग करेंगे सिद्धांत देंगे तो एक उसको पुष्ट करने के लिए सूर्य वर्ग इसलिए तत्व को शोक एकत्रम अनुपश्यत है ना इस प्रकार जानने वाले जस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मी बाबु विजानत तत्र को शोक एकत्रम अनुपश्य ऐसा तत्र को शोक एकत्रम अनुपश्य तत्व से कह देंगे उस साधक जिस काल में उस साधक में जिस काल में ये भेद दृष्टि में जान है तब उसका अंदर में न शोक हो जाए न मोह पहले मोह होगा पहले मोह बाद में शोक मोह मतलब क्या है वो वस्तु अच्छा है वो सत्य है द्वैत वस्तु सत्य मोह है और वो हमारा काम में आएगा जब ये मोह उत्पन्न हुआ तो हाय मेरे पास नहीं है ये शोक तत्र को बहु दोष होगा एकत्व अनुपश्यत जब शोक सारी जगह पर एक परमात्मा ही व्यक्त मन उससे भी न पूछते इस प्रकार अनुपश्यत अनुपश्यत मतलब गुरुमुख से शास्त्री बाबू को सुन करके बार बार विचार करके निश्चय में पहुँचना हो गया अनुपश्यत उस व्यक्ति के लिए फिर है संसार सारे इत्यादि मंत्र वर्णा जिस प्रकार शवशोपनिषद मंत्र भागी है ना इसलिए मंत्र मंत्र यहाँ पे देखिए तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी दिखे पर जात्यादि रहितम अद्वयम तीन नंबर टिप्पणी अद्वयम इति अद्वयम ब्रह्मात्मत्वेन जानन्त अपने को अभेद व्यापक तत्व जो जान लिया अच्छा जानन्त तत्व बाह्य क्षणा उसको पर बताए तत्व अनात्म पदार्थ अभिलाषा अनात्म पदार्थ संबंधी को अभिलाषा ठीक है टिप्पणी का भाष्य का क्या बोला तत्व बाह्य अभिलाषा बाहरी वस्तु परंतु इधर का अभिलाषा वो तो रह गया ये अनात्म इसे टिप्पणी का एक स्टेप आगे कर दिया ये अनात्म में जो अभिलाषा होती है इसको रह जाए ये ध्यान तक लिया ना पड़ेगा भाष्यकार तो लिखे थे पुत्र क्षण वित्त क्षण लोकेशन उसको लेकर के बाह्य क्षण टिप्पणी का वो तो वहाँ से काम नहीं चल रहा है एक स्टेप और आगे चल रहा है यहाँ की क्षण को भी त्याग करना इसलिए बोलता है त्याग तो अनात्म पदार्थ अभिलाषा ये अनात्म पदार्थ ठीक है ठीक है थोड़े समय आज फिर पहला अजम अपि योगं प्रापरैश्वर्ययोगा अगति च गतिमत्तां प्राप्येकं निरनेकं विविधविषयहरात्रायि मुक्ते क्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ
शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।